उस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 90% परसेंट रहेगी अब ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हम आज की इस वीडियो में अपना टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करेंगे, इंडिकेटर के साथ साथ प्राइज एक्शन भी लगाएंगे जिस वजह से इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 90% परसेंट से अब रहने वाली है सो so, स्टार्ट करते हैं वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप भी पहले से लॉस में है तो आप अपना इस स्ट्रेटजी के थ्रो अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं सबसे पहले हमें एक अच्छे मूवमेंट वाला चार्ट फाइंड करना आना चाहिए ये जैसे कि मैंने हर बार आपको हर वीडियो में बताया है एंड वही सेम चीज है आपको किस तरीके से यहाँ पर चार्ट फाइंड करने हैं अगर आपको कोई भी चार्ट यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम लगा के यहाँ पर चार्ट फाइंड करने हैं उसके बाद ही एक सही जगह पर एंट्री लेनी है सही चार्ट फाइंड करना है तो यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सही चार्ट है यहाँ पर ये देखिए चार्ट का मूवमेंट अव्वर डायरेक्शन में है तो थोड़ा सा हम इसको चार्ट को चेंज करके देख लेते हैं चार्ट थोड़ा सा एक्सलेशन और डीएक्सलेशन मूवमेंट में होना चाहिए उस चार्ट्स को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं ओके अब उसके बाद हमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जहां जहां हमको लेवल्स दिखाई देंगे वहां पर सही तरीके से हम लेवल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एंड हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा थिक कर लेंगे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से विजिबल रहे एक एक चीज एंड साथ में आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी की देखिए सबसे नीचे हमने यहाँ पर सपोर्ट लेवल लगा दिया उसके साथ हम इसको कॉपी करेंगे एंड उसके बाद जहां जहां पर हमको अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं वहां पर लगाएंगे अब यहाँ पर भी देखा आप सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल है उसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी करके कुछ यहाँ पर लगाएंगे जहां पर मार्केट चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेंस लेवल है एंड प्रीवियसली भी यहाँ से मार्केट नीचे आई है एंड इसको कॉपी करके हम सबसे ऊपर अपना रजिस्ट्रेंस लेवल हमने लगा दिया जहां पर मार्केट गई है सो so, ये तो हमारे हाँ पर ड्रॉ हो गए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेवल ये हमारा स्टेप वन हो गया अब उसके बाद हमको क्या करना है हाँ पर ट्रेंड लाइन लेनी है क्योंकि हमें ट्रेंड के बिना तो कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसको भी हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं पिंक कलर कर लेंगे एंड थोड़ा सा इसको थिक कर लेंगे तो यहाँ पर ये यह जो ट्रेंड लाइन आ गई है यहाँ पर हम इसको बहुत सारे बॉटम को टच करवाने की कोशिश करेंगे अगर ज्यादा बॉटम टच नहीं हो पाते हैं एटलीस्ट टू लेवल तो टच होने चाहिए मतलब टू बॉटम टच होने चाहिए सो so, यहाँ पर हमने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेवल यहाँ पर है एंड दूसरा लेवल है वो यहाँ पर है अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे अपना आर का इंडिकेटर अब हमें यहाँ पर जो मेन लाइन है हमारी उसको हम थोड़ा थिक कर लेंगे बाकी हम सेम टू सेम रहने देंगे ताकि हमें जो थिक लाइन है वो सही से विजिबल रहे अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि मार्केट का मूवमेंट है देखिए अब वो डायरेक्शन में यहाँ पर रह रहा है तो हम पहले इस कैंडल की क्लोजिंग होने देंगे उसके बाद ही हम यहाँ पर डिसाइड कर सकेंगे हम थोड़ा ना इसको पांच मिनट के चार्ट में और देखना चाहेंगे उसके बाद ही हम सही एंट्री ले पाएंगे देखिए पांच मिनट के चार्ट में उस लेवल के पास बिल्कुल मार्केट जा चुकी है तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है जो हमने लेवल्स लगाए उनके हिसाब से तो हमने यहाँ पर एक डाउनवर्ड लिए ट्रेड प्लेस कर दी है फाइव हंड्रेड डॉलर की ओके अब हम वन मिनट के चार्ट में जाएंगे ओके okay? देखिए इसके प्रीवियसली भी आप देख सकोगे कि ये जो हमने लेवल्स लगाया है वो ऊपर की साइड यहाँ पर सेलर्स काफी ज्यादा है तो यहाँ से मार्केट का मूवमेंट नीचे आना चाहिए एंड यहाँ पर हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया है जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ से ही मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड में हो गया तो ये गैप फुलफिल होना भी तो जरूरी है तो इस वजह से यहाँ पर मार्केट आएगी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी उसके बाद यहाँ पर बायर्स का प्रेशर रहेगा उसके बाद मार्केट का मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा सो so, ये बहुत ही लॉजिक वाली चीज है एंड प्रैक्टिकली भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वहां पर लेवल्स अगर हम लगा रहे हैं ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं तो उनको फुलफिल फुल होना बहुत जरूरी है मार्केट उन चीजों को रिस्पेक्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही है तो मेन टॉपिक ये जो होता है टेक्निकल एनालिसिस में कि उन मार्केट उन लेवल्स को फॉलो करें देखिए ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हो चुकी है अब आप देख सकते हैं बिल्कुल कोशिश है उस ट्रेंड लाइन तक टेस्ट करने की मार्केट की आप देख सकते हो जैसे ही टेस्ट होगा या फिर तो ब्रेकआउट होगा या फिर रिवर्सल होगा सो हम यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट चेंज करके देख लेते हैं तो ये थोड़ा सही चार्ट मिला है एंड इसमें देखिए बिल्कुल लेवल पर है तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर 500 डॉलर की एक अवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी इसको मिस नहीं करना था काफी रिसर्च के बाद ये काफी अच्छा चार्ट मिला था मुझे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ लाइन के साथ सबसे पहली चीज तो आप यही समझ सकते हैं कि आर एस आई इंडिकेटर बिल्कुल लोअर लेवल पर चल रहा है तो यहाँ से बहुत कोशिश है कि मार्केट ऊपर जाएगी एंड यहाँ पर हमने एक छोटा सा जो कि रेजिस्टेंस दिखाई दिया है हमको वहां पर एंड जो एक थोड़ा सा सपोर्ट हमको दिखाई दिया है अब सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट का मूवमेंट नीचे होना चाहिए लेकिन यहाँ इंडिकेटर का यूज किया है तो जिस वजह से मार्केट का मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए एंड आप ओवरऑल भी देखोगे चार्ट का मूवमेंट काफी ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा है तो एक पॉइंट तो आएगा यहाँ पर कि वहां पर बायर्स रहेंगे अब इतने ज्यादा सेलर्स के बाद कुछ बायर्स अपनी थोड़ा सा प्रेशर दिखाते हैं बहुत ही ज्यादा मार्केट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूंगी बुलिश बुलिश रहेगा बीच में कुछ करेक्शन के लिए ग्रीन कैंडल बनेगी एंड फिर थोड़ा बहुत हमको मूवमेंट इसमें अपवर डायरेक्शन में दिखाई देगा फाइनली ये ट्रेड देखिए हमारी यहाँ पर विन हो चुकी है इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपना टेक्निकल एनालिसिस एंड कह सकते हैं प्राइस एक्शन का यूज जरूर करेंगे अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो मैंने आपको बताया वही वही चीजें आपको करनी है स्टेप बाई स्टेप थोड़ा सा हम इसको थिक कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल रहे ओके अब ऊपर की साइड है एक रेजिस्टेंस लेवल पहले आपको ना अपने चार्ट को एकदम सही तरीके से क्लासिफाई कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके बाद सही तरीके से आपको समझ में आएगा कि हमको कहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है ओके okay? अब यहाँ पर भी हमको एक छोटा सा सपोर्ट लेवल दिख रहा था तो हमने यहाँ पर एक लेवल लगा दिया है यहाँ पर आर लगा हुआ है आर के हिसाब से तो मार्केट नीचे आनी चाहिए क्योंकि वो ऊपर लेवल के पास में चल रही है मार्केट लेकिन ऊपर अगर हम थोड़ा सा पांच मिनट के चार्ट में देखेंगे देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ यहां पर पांच मिनट की कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ये वाली आप रेड कैंडल देख रहे हो यहां तक मार्केट जाएगी ये ग्रीन कैंडल सिर्फ यहां तक बनेगी अगर इस रेड कैंडल से ऊपर चलेगी मार्केट तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा मार्केट और भी ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन मूव होगी लेकिन यही इसके आसपास में इसका मूवमेंट रहा तो हम डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे हम इसको थोड़ा वन मिनट के चार्ट में देखेंगे बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास में पहुंच चुकी है ओके ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है गैप करने वाली भी कोई बात नहीं है सो so, फाइनली मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी है कई बार ऐसा होता है हम रेजिस्टेंस लेवल के पास में मार्केट जाने ही वाली होती है लेकिन उससे पहले ही हम ट्रेड प्लेस कर देते हैं तो वहां पर गैप वाली चीज

क्लोजिंग उससे नीचे हो जाती है तो वही सेम प्रोसेस काम करेगा होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जरूर से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फाइनली ये ट्रेड देखिए हमारी यहाँ पर विन हो चुकी है तो इस तरीके से आप कोई भी इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो आपको प्राइस एक्शन का ज्ञान होना चाहिए इंडिकेटर के साथ साथ आपको प्राइज एक्शन टेक्निकल एनालिसिस लगाना जरूरी है क्योंकि कई कोई भी इंडिकेटर सिंपली ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया स्ट्रैटेजी बन गई है तुरंत से आपकी लगातार ट्रेड्स विन होने लग जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इंडिकेटर अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको प्राइज एक्शन की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है सो so, यही था आए आज की इस वीडियो में होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद